हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से नए इंग्लिश स्टोरी में। दोस्तों, हमेशा की तरह इस इंग्लिश स्टोरी का भी हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। ओके, हिंदी में अनुवाद। और मैं ऐसा करता हूँ कि डेली इस प्रकार के इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन से प्रैक्टिस से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में इम्प्रूव ला सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्ट टू टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट्स इन द स्टोरी। उससे पहले इस स्टोरी का शीर्षक है टाइटल द फ्रॉग एंड द स्नैक। फ्रॉग का मतलब होता है मेढक, एंट का मतलब और स्नैक का मतलब होता है सांप। ठीक है, यानी कि मेढक और सांप। ओके, मेढक और सांप। ए फ्रॉग लाइफ्ड, एक मेढक लाइफ्ड रहता था इन ए वेल, कुएं में। ठीक है, डब्ल्यू ई डब्ल एल, वेल का मतलब कहता है कुआं। ठीक है, यानी कि एक मेढक एक कुएं में रहता था। ठीक है, विथ हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फ्रेंड्स मतलब दोस्त, रिलेटिव्स मतलब कहते हैं रिश्तेदार हैं। ठीक है, यानी कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। ठीक है, विथ मतलब के साथ, फिर से समझिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। ठीक है, एक कुएं में रहता था एक मेढक। अरे समझ में, एक मेढक एक कुएं में रहता था अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। ही वाच, वह था द किंग ऑफ ऑल फ्रॉग्स। ठीक है, सभी मेढकों का, ऑल फ्रॉग्स, सभी मेढकों का राजा। ठीक है, वह सभी मेढकों का राजा था। बट सम ऑफ देम, परंतु उनमें से कुछ। ठीक है, बट सम ऑफ देम, परंतु उनमें से कुछ रिवोल्टेड, क्रांति कर दी अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। ठीक है, बट सम ऑफ देम, परंतु उनमें से कुछ क्या कर दी, रिवोल्टेड मतलब क्रांति कर दी अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। ओके, सम हाउ, कैसे भी या फिर किसी तरह। ठीक है, सम हाउ, कैसे भी या फिर किसी तरह, द फ्रॉग क्लेवरली सेटल्ड, मेढक चलाकी से, सेटल्ड मतलब क्या, तय किया एवरीथिंग, सब कुछ। ठीक है, यानी कैसे भी किसी तरह मेढक जो है चतुराई से, चलाकी से सब कुछ तय किया। बट ही वाज वेरी एंग्री, परंतु वह, वाज मतलब था, वेरी एंग्री बहुत गुस्सा। ठीक है, परंतु वह बहुत नाराज था, बहुत गुस्सा था, विथ हिज रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। ठीक है, यानी कि अपने रिश्तेदारों से बहुत क्रोधित था। सो वन डे, इसीलिए एक दिन, सो वन डे, इसीलिए एक दिन, ही केम आउट ऑफ हिज वेल, वह बाहर आया अपने कुएं से अकेला। ठीक है, अकेला अपने कुएं से बाहर आया, एंड वेंट टू बैग, और वापस गया सांप के पास। ठीक है, हु लाइफ, जो रहता था इन ए होल बिल में, नियर बाई यानी कि पास के। ठीक है, जो पास के बिलों में रहता था। ओके, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं किस प्रकार जो है एक मेढक जो है अपने कुएं से बाहर निकल आया है और सांप के पास गया जो कि पास में ही रहता था। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं स्टोरी में क्या है और कैसी घटना घट रही है। द स्नैक वाज सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब कहते हैं कि आश्चर्यचकित। ठीक है, यानी कि सांप आश्चर्यचकित था टू सी द फ्रॉक्स, मेढक को देख करके। ठीक है, टू सी द फ्रॉक्स, मेढक को देख करके, स्टैंडिंग यानी कि खड़े हुए, इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है, उसके सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, हिम यानी कि उसके। ठीक है, यानी कि सांप जो है आश्चर्यचकित था टू सी द फ्रॉक्स, मेढक को देख करके, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है, उसके सामने खड़े होकर के। ठीक है, फॉर ही न्यू, क्योंकि वह जानता था, डैट कि फ्रॉक्स वेयर अफ्रेड ऑफ हिम। ठीक है, कि मेढक वेयर अफ्रेड ऑफ हिम, उससे डरते हैं। ठीक है, क्योंकि वह जानता था कि मेढक जो है उससे डरते हैं। द फ्रॉक सेड, मेढक ने कहा, आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड्स। ठीक है, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ टू बी, बनना योर फ्रेंड्स, आपके दोस्त। ठीक है, यानी कि मैं आपके दोस्त बनना चाहता हूँ। द स्नैक सेड, सांप ने कहा, बट वी हैव ऑलवेज, परंतु हम जो है हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, सांप ने कहा, परंतु वी हैव ऑलवेज, हम लोग हमेशा, बीन इन एमिंग्स, ठीक है, मतलब दुश्मन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, परंतु हम लोग हमेशा से दुश्मन रहे हैं। ठीक है, इनेमिस मतलब कहते हैं दुश्मन रहे हैं। देन, फिर हाउ कैन वी बी अ फ्रेंड्स। ठीक है, फिर हाउ कैन वी, हम कैसे जो है सकते हैं, बी यानी कि बनना, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। ठीक है, यानी कि फिर हम कैसे दोस्त बन सकते हैं। द फ्रॉग सेड, मेढक ने कहा, फर्स्ट, पहले, प्लीज हेयर, कृपया सुने, माई प्लान, मेरी योजना। ठीक है, यानी कि मेढक ने कहा, पहले कृपया मेरी प्लान, मेरी योजना सुने। My relatives, मेरे संबंधी, have created, बना दिए हैं, a lot of मतलब बहुत ज़्यादा, a lot of का मतलब कहते हैं अत्यधिक या फिर ज़्यादा, problems यानी कि समस्याएं, for him मेरे लिए। ठीक है, यानी कि मेरे रिश्तेदार have created a lot of problems, बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर दी है या फिर बहुत सारी समस्याएं बना दी हैं, for me मेरे लिए। So इसीलिए I want, मैं चाहता हूँ, to punish, दंड देना, them यानी कि उनको। ठीक है, इसीलिए मैं उन्हें दंड देना चाहता हूँ। You can come, तुम आ सकते हो, into my well, मेरे कुएं में। ठीक है, you can come into my well,
तुम मेरे कुएं में आ सकते हो एंड और ईट देम, उन्हें खा सकते हो, ठीक है, यानी कि तुम मेरे कुएं में आ सकते हो और उन्हें खा सकते हो, ओके। द स्नेक एग्रीड, सांप जो है सहमत हो गया, एंड वन बाय वन, और एक एक करके, ठीक है, सांप सहमत हो गया और वन बाय वन एक एक करके द स्नेक एट अप, ठीक है, सांप को एट अप खा गया, ऑल द फ्रेंड्स, सभी दोस्तों एंड रिलेटिव्स और रिश्तेदारों को, ठीक है, ऑफ द किंग फ्रॉग, ठीक है, यानी कि राजा मेढक के, ठीक है, यानी कि मेढक राजा के सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को सांप जो है खा गया। देन ही सेड, फिर उसने कहा टू द फ्रॉग, मेढक से, ठीक है, फिर उसने मेढक से कहा आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है ऑल योर रिलेटिव्स, मतलब तुम्हारे सभी रिश्तेदारों को, ठीक है, यानी कि फिर उसने मेढक से कहा आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है ऑल योर रिलेटिव्स, तुम्हारे सभी रिश्तेदारों को, एक्सेप्ट योर फैमिली, ठीक है, तुम्हारे परिवार को छोड़ करके, ठीक है, एक्सेप्ट योर फैमिली, तुम्हारे परिवार को छोड़ करके मैंने सभी तुम्हारे रिलेटिव्स को, संबंधियों को मैंने खा लिया है। नाउ अब आई विल हैव टू ईट, ठीक है, अब हमें खाना होगा, आई विल हैव, अब हमें होगा टू ईट, खाना, यू यानी कि आपको, ठीक है, अब हमें आपको खाना होगा, एंड योर वाइफ, और आपकी पत्नी को, एंड योर एंड चिल्ड्रेन, और बच्चे को, ठीक है, यानी कह रहा है कि आपके फैमिली को छोड़ करके मैंने आपके सभी रिश्तेदारों को खा लिया है, अब मैं आपको खाऊंगा और आपके पत्नी को और बच्चे को। द फ्रॉग रियलाइज डैट, ठीक है, मेढक को एहसास हो गया डैट कि ही हैड मेड, उसने किया था ए मिस्टेक, यानी कि गलती, ठीक है, यानी कि मेढक को एहसास हुआ कि ही हैड मेड ए मिस्टेक, उसने एक गलती की है, टू पनिश हिज ऑन पीपल, ठीक है, अपने, ठीक है, उसने अपने लोगों को टू पनिश, दंडित करने के लिए, ठीक है, यानी कि उसने अपने लोगों को दंडित करने के लिए ही हैड मेड ए मिस्टेक, ठीक है, उसने गलती की है। ही हैड बाउट, उसने लाया था, ही हैड, उसने जो है, देखिए ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना, और ब्राउट मतलब क्या होता है कि लाया, और हैड लगा है तो यानी कि पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर में, पास्ट टेंस में चला जाएगा, यानी कि उसने लाया था एन इनेमी, एक दुश्मन को, इनटू हिज किंगडम, अपने साम्राज्य में, किंगडम का मतलब क्या होता है, साम्राज्य, ठीक है, इनटू हिज किंगडम, अपने साम्राज्य में, अरे समझ में, अपने साम्राज्य में एक दुश्मन को ही हैड बाउट, उसने लाया था। नाउ ही हैड, ठीक है, अब उसे था टू डू, कुछ टू डू करना, समथिंग यानी कि कुछ, ठीक है, अब उसे कुछ करना था, क्विकली यानी कि तेजी से, जल्दी से, टू सेफ, बचाने के लिए हिज फैमिली, अपने परिवार को, ठीक है, यानी कि क्विकली टू सेफ हिज फैमिली, तेजी से, जल्दी से, अपने फैमिली को, अपने परिवार को बचाने के लिए ही हैड टू डू समथिंग, उसे कुछ करना था, ठीक है। सो द फ्रॉग सेड, इसीलिए मेढक ने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल गेट, मैं लाऊंगा, ठीक है, आई विल गेट, मैं लाऊंगा मोर फ्रॉग्स, अत्यधिक मेढक, फॉर यू, आपके लिए, टुमारो यानी कि कल, ठीक है, इसीलिए मेढक ने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल गेट मोर फ्रॉग्स, ठीक है, मैं अत्यधिक मेढक को लाऊंगा फॉर यू, आपके लिए, टुमारो यानी कि कल, ओके। My family, मेरे परिवार, will go, जाएंगे, and collect, और संग्रह करेंगे, ठीक है, My family will go and collect, ठीक है, मेरा परिवार जाएगा और संग्रह करेगा, all of them, वे सभी को, for you, आपके लिए, ठीक है, इनकी wins, उन सभी को, आपके लिए, मेरा परिवार जो है जाएगा और संग्रह करेगा। The snake became happy, ठीक है, सांप हो गया happy यानी कि खुश, ठीक है, यानी कि सांप खुश हो गया, and the family, और परिवार, ठीक है, ऑफ द फ्रॉक्स, मेढक है, ठीक है, एंड द फैमिली ऑफ द फ्रॉक्स, ठीक है, और मेढक के परिवार जम्प्ड आउट, बाहर कूद गए, ठीक है, जम्प्ड यानी कि कूद गए, आउट मैंने कि बाहर, ठीक है, यानी कि जम्प्ड आउट, बाहर कूद गए, ऑफ द वेल, कुएं से, ठीक है, सांप जो है बहुत खुश हुआ और मेढक के परिवार जो है कुएं से बाहर कूद गए, नेवर टू कम बैक, ठीक है, कम बैक यानी कि वापस, ठीक है, नेवर मतलब कि कभी नहीं, ठीक है, नेवर टू कम बैक, कभी वापस नहीं आए, टू डैट उस वेल यानी कि कुएं में, अगेन यानी कि फिर से, ठीक है, एक नेवर टू कम बैक, कभी वापस नहीं आए, टू डैट वेल अगेन, ठीक है, उस कुएं में फिर से। आप यहाँ पे फोटोज में देख सकते हैं, ये बेसिकली सांप जो है कुएं के अंदर चला गया है, और मेढक और उसके जो भी परिवार हैं, जो बचे थे, वे लोग कुएं से बाहर कूद गए, ठीक है, और कभी भी उससे कुएं में वह वापस नहीं आए। इसी के साथ ये आपका शॉर्ट स्टोरी समाप्त होती है, मिलते हैं किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल, बहुत तरफ यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।